नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये खबर आप ही के लिए है, क्योंकि अब यूजीसी ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ पीएचडी की डिग्री लेकर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता है। अब शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए नेट, सेट या स्लेट होना अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता है। दरअसल देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए नेट, सेट या स्लेट होना अब न्यूनतम योग्यता होगी। यूजीसी ने इसको लेकर पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। हालांकि शिक्षकों की कमी को देखते हुए भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने जून 2021 में 2 साल के लिए अपवाद के रूप में खत्म किया था। अब उसी स्थिति को लागू रखते हुए भर्ती का नया नियम बना दिया गया है। यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है। यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी स्लेट पास कर चुके हैं, वो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए योग्य माने जाएंगे। हालांकि एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर या प्रमोशन के लिए पीएचडी की अनिवार्यता की शर्त पहले की तरह लागू रहेगी। इस बात की जानकारी यूजीसी के चेयरमैन एम जगदेश कुमार ने ट्वीट करके दी है। इधर यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज को पत्र भेजकर शिक्षकों के रिक्त पद भरने को कहा है। इसके साथ ही शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आयोग ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम का एक पोर्टल शुरू किया है। विभिन्न विषयों के अनुभवी विशेषज्ञ खुद इस पोर्टल पर रजिस्टर करा सकते हैं। भले ही उनके पास शैक्षणिक योग्यता या पीएचडी ना हो, लेकिन यदि वे क्षेत्र विशेष में लंबा अनुभव रखते हैं तो रजिस्टर्ड पेशेवरों को कॉलेज में बतौर अतिथि प्रोफेसर पढ़ाने का मौका मिल सकता है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।